गाइस, तो हम लोग आए शूट पे और मेरे साथ में भोपाल के जाने वाले फोटोग्राफर भी आए हुए हैं एंड इनसे मिलना बहुत बड़ा भाग्य की बात होती है, मतलब इसको मिलते नहीं है। गर्मी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। चलो हम जा रहे हैं शूटिंग करने प्रॉपर्टी और ऐसा घर दिखाएंगे कि आप लोग बेहोश हो जाएंगे आज। हम जा रहे हैं शूटिंग के लिए, तो ये देखिए कितने प्यारे गणेश जी हैं यहाँ पर। वाह, ये कुछ व्यू है यहाँ से, सुपर्ब। कैमरामैन आ चुके हैं हमारे, शूटिंग चल रही है, मुझे भी शूट कर रहे हैं बीच बीच में एंड यहाँ पे सब कुछ निकाल रहे हैं। हाँ, कार्य प्रगति पर है। क्या तो रूम है भाई साहब, देख रहे हो झूमर, देख रहे हो, फिल्मों में यही सर पे गिरता है। तो जब भी हम मकान बनाते हैं तो एक सपना लेकर बनाते हैं और चाहते हैं कि हमारा घर हमारे हिसाब से हो। ऐसे ही कुछ इस घर में भी है, जहां पर इस घर में प्राइवेट होम थिएटर रूम भी दिया गया है, जो कि मेरा भी सपना है एक दिन मेरा खुद का एक प्राइवेट होम थिएटर रूम हो। और यहां पर हर चीज़ दी गई है, यानी कि कर्टन भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, वैसे काफ़ी उड़ा रहता है, उसके बाद ये बंद होने के बाद एकदम अंधेरा हो जाता है और लगता है कि भाई साहब क्या बात है, तो एकदम सिनेमा हॉल की फीलिंग यहाँ पे आती है। एंड लाइटिंग बहुत अच्छी है, प्रोजेक्टर लगाया है, होम थिएटर लगाया हुआ है, साउंड वायर लगी हुई है एंड 1700 वाट का साउंड दिया गया है। एसी रूम है बढ़िया वाला, तो मतलब बस यही बनाने का सपना मेरा भी है दोस्त। दुआ करिए कि जल्द ही मेरे पास भी एक अपना खुद का इस तरह का रूम हो, मज़ा ही आ जाएगा सच में, आपको ही बुलाऊंगा पक्का। तो गाइस देख सकते हैं आप, हम शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे एंड हमारा गिम्बल फिर से, मैंने एक गिम्बल का वीडियो देखा था, उसमें वो पूरा घूम रहा है भयंकर तरीके से रील में, पूरे इतने तेज घूम रहा है कैमरे फेंका जाएगा, मैंने कहा कि लग गए। तो ये देखिए कितना प्यारा रूम है, ये मेरा ड्रीम रूम है भाई, ये एक्चुअली में मेरा ड्रीम है। तो स्टिल थिएटर वाले शूट ही चल रहा है अभी, वहाँ पे रोहित लगा पड़ा है और मैं बाहर आ गया, अंदर बहुत ठंड हो रही है, मैंने कहा गर्मी थोड़ी लेनी चाहिए शायद बादल के। तो गाइस हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, यहाँ पे शूट चल रहा है, मुझे हटाता ही रहता है बस, ये यहाँ से हटो वहाँ से हटो, इज्जत ही नहीं है। दरवाजा बंद करना है मेरे को, आ जा मेरे अंदर आ जा। ये देखिए फ्रिज, देखिए आप स्क्रीन लगी हुई है उसके अंदर, दोस्तों मुझे भूख लग रही है, मुझे इस बंदे ने बोला था कि ये मुझे पिज़्ज़ा खिलाएगा बट ये तो फ्री नहीं हो रहा है, शूट ही किया जा रहा है, शूट ही किया जा रहा है, भाई भूख लग रही है आज कर यार, भाई है भाई है, शूट ही किया जा रहा है, फ्रिज में से आइस चुरा चुरा के खाया जा रहा है, ये देखो इसमें पता नहीं क्या क्या रखा था खाने का, सब खा गया, पूरा खाली कर दिया उसने खा खा के। कुछ नहीं, कुछ नहीं, तारीफ कर रहा था। बिल्ली का याद आ गया मैं।
तो गाइस अभी अभी इसने कहा है कि ये मुझे पिज़्ज़ा खिलाने ले जा रहा है, वो भी कॉर्न पिज़्ज़ा, चीज़ वाला है ना। कॉर्न पिज़्ज़ा नहीं, कॉर्न पिज़्ज़ा, CORN। इसको तो बचने के बहाने चाहिए भाई, घर देख रहे हो आप, एक नंबर। वो खड़ा हूँ मैं यार, बहुत अच्छा है देखने के लिए, बहुत अच्छा है, करने सारी चालू ना इवन फिर लग वाओ इसके साथ एम्बियंस में फिर दें। हाँ ना, हाँ ना, सुपर यार, ये कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे टीवी लगा दो बढ़िया। तो भाई एक बात तो साफ है कि घर के अंदर अगर आप बढ़िया बढ़िया लाइटिंग कर देते हैं तो घर आपका वैसे ही जगमगा जाता है। तो इस रूम में भी हर तरह से लाइट लगाई गई है, हर मूड के हिसाब से आप अपने घर की लाइट को चालू करके बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। तो सब कुछ दिया गया है इस घर के अंदर। और हम गए थे इस घर की शूटिंग के लिए, इस घर का एड बना रहे थे रोहित और मैं बना रहा था ब्लॉग वीडियो अपने चैनल के लिए। तो इसका जब प्रोफेशनल वीडियो आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अगर आप भी कुछ ऐसी कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनाकर बैठे हैं और आपको लगता है कि आपको हमसे शूटिंग करवाना है और हम हैं भोपाल से तो हम आसपास भी आ ही सकते हैं, तो कमेंट करके आप बताइएगा, आ जाएंगे हम जहाँ पर भी बुलाएंगे आप हमको। लो साहब ऐड भी हो गया बीच में मेरा खुद का। तो गाइज लाइक करिए जल्दी जल्दी, अभी भी भूख लग रही है मुझे, ये खिला नहीं रहा कुछ भी, शूटिंग किए जा रहे हैं, शूटिंग किए जा रहे हैं। हर जगह से हटाया जा रहा है मुझे, हर जगह से, कहीं खड़ा ही नहीं होने देता ये बंदा। ओके गाइस, तो शूटिंग वूटिंग निपट गई है। और खैर गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अमेजिंग कलेक्शन, पता नहीं क्या ही मैसेज करते रहते दिन भर, ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं। खैर चलो मिलते हैं जल्दी। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.